शक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है। अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ चुके हैं चिराग पासवान, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्हें चाचा पशुपति पारस गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। वहीं चिराग ने पारस समेत पांचों सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा और विभीषण भरने का काम किया है। असली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी पार्टी के भीतर से उठी वो अब आग बनकर धधक रही है। विरोधी धड़ा और पासवान के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और सियासत की सीधी लड़ाई सड़क तक आ गई है। पटना में ये हंगामा उस रामविलास पासवान की पार्टी के दफ्तर पर हो रहा है जिसे राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान घर से ही उठे सियासी तापमान को नहीं भाप पाए और चाचा ने उन्हें अब पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। पहले चिराग को संसदीय दल के नेता के पद से हटाया गया और अब उनसे पार्टी अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरज भान सिंह जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। चिराग से पार्टी अध्यक्ष का पद छीना गया तो उनके समर्थक इस अपमान को सह नहीं पाए और पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर हंगामा करने लगे। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद आज चिराग पासवान के समर्थक जो है वो पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में यहां अंदर घुस गए हैं और यहां आप देख सकते हैं जो पांचों सांसद हैं एलजेपी के उनकी तस्वीरों को यहां पर जो है जलाया जा रहा है। गुस्सा चिराग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सभी सांसदों पर फूटा और पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सांसदों के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कार्यकर्ता गुस्से में हैं और चिराग के खिलाफ इस साजिश के पीछे नीतीश कुमार का हाथ बता रहे हैं। जदयू के बहकावे में आकर करके और जदयू ने नीतीश कुमार ने जो काम किया ललन सिंह का साथ लेकर के और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा और विभीषण भरने का काम किया है। चाचा भतीजा की जंग के स्क्रिप्ट तो उस समय लिखनी शुरू हो गई थी जब राम विलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस इस फैसले से आहत थे तो वहीं जेडीयू घात में थी। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। चिराग अपनों से घिरे तो कांग्रेस और आरजेडी इसे बड़े मौके के रूप में देखने लगी और चिराग को साथ आकर लड़ाई लड़ने की पेशकश कर दी। जिस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में, लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान है और चिराग पासवान नौजवान है, दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें। बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करें और वो केंद्र की राजनीति करें। मैं समझता हूँ चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के विरासत के उत्तराधिकारी हैं। भले ही उनके एमपी उनसे टूट के चले गए लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश उनके खिलाफ उनके पार्टी के खिलाफ किया है यह वक्त का तकाजा है, उन्हें कांग्रेस आरजेडी से हाथ मिलाना चाहिए। पार्टी में अकेले पड़ चुके चिराग पासवान अभी चुप हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी में उठे इस घमासान की परतें खोलेंगे। शायद तब ये सामने आ सके कि आखिर एलजेपी में चिराग के तख्ता पलट का असल सूत्रधार कौन है। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।